तो जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लेकिन इसको जानने से पहले आपको पहली वीडियो में सीख लेना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनती है, और आपका ये भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन कंजक्शन से पूछा है या नहीं, और कौन से कंजक्शन से पूछा है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पिछली वाली वीडियो को देखना ना भूले, तभी आगे समझ में आएगा। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं आज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? अब हमारे माइंड में एक बात आती है कि साहब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, पहचानेंगे कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनता है, और कैसे क्लॉज को पहचानेंगे। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जुड़कर सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, और ऐसे कंजक्शन होते हैं जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए, मतलब क्लॉज की बात कर रहा हूं, ऐसी क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर स्पष्ट रूप से डिपेंड होती है। तो यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर यानी कि जुड़कर ही सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, और एक वाक्य में दो क्लॉज होती हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। तो यहां पर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जानना है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे 9 प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, ट्रिक याद दिला दूं, ट्रिक आपको याद दिला दूं, यानी कि ये 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि 9 होते हैं। मिस्टर टपोरी चंद पीसी पर CCC का पेपर देने गए, ठीक है, पेपर देने गए। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, मिस्टर टपोरी चंद पीसी पर CCC का पेपर देने गए, तो M फॉर मैनर, R फॉर रिजल्ट, T फॉर टाइम, P फॉर पर्पज, और P फॉर प्लेस, और C फॉर कॉज, C फॉर कंपेरिजन, C फॉर कॉन्ट्रास्ट, और C फॉर होता है आपका कंडीशन। तो मिस्टर टपोरी चंद, समझ में आया? तो यहाँ पर आपको ये 9 के 9 पढ़ रहे हैं, और आपको समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। तो आपने जानना है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे आप सोइंग टाइम, समय दर्शाने वाले कंजक्शन। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हमें क्या पता कौन कौन से शब्द समय शो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यानी कि सोइंग टाइम में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। इसमें आता है आफ्टर, क्या आता है? आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, व्हेन, और आपका आता है व्हेन एवर, आपका आता है टिल, आपका आता है अनटिल, ठीक है, टिल अनटिल, क्लियर हो रहा है, टिल अनटिल, और आपका आता है एज सून एज, और आपका आता है एज लॉन्ग एज, ठीक है, हार्डली के साथ, स्कार्सली, यानी कि हार्डली स्कार्सली के साथ, आप जानते क्या आता है, वैन और बिफोर, ठीक है, वैन और बिफोर, ये चीज़ें समझ में आया। और आपका वाइल भी आ जाता है इसमें, क्या आ जाता है, वाइल आपका किस में आ रहा था, एडवर्सेटिव कंजक्शन में, मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन भी है, और ये आपका क्या है, सोइंग टाइम यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आपने एक वाक्य पढ़ रखा होगा बचपन से, जब हम छोटे छोटे से थे तो हमें टीचर पढ़ाते थे कि बनाओ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर वो कहते थे कि इसमें बच्चों दो टेंस हैं, एक तो है हमारा पास्ट परफेक्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट, और एक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर वो ऐसे बिफोर वाला देता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, जो पहले वर्ड है वो आपका क्या है, पहले वर्ड है आपका सोइंग टाइम कंजक्शन, यानी कि सोइंग टाइम यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, क्या बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो
रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा वो के बताओ इसमें कौन कौन सी क्लॉज है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी तो पहले ही मर चुका था साहब, डॉक्टर बाद में आया, तो डॉक्टर ये क्लॉज इस पर डिपेंड करती है। जिस क्लॉज में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है तो वो हमारी होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, और जो अपना एक पूर्ण मीनिंग रखती है, पूर्ण अर्थ रखती है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, पहला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में चलते हैं आगे। यदि आपका सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर किसी वाक्य में आ रहा हो तो आपको पहचान लेना है कि ये शोइंग टाइम कंजंक्शन है, और जो बिफोर वाली क्लॉज होती है वो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, और दूसरी बात उससे पहले वाला जो वाक्य होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर वाला जो वाक्य होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं बात करूं बाद वाले सेंटेंसों की, तो बाद वाले भी तो आते हैं, तो बाद वाला वाक्य कैसे आएगा, बाद वाला वाक्य आएगा बारिश शुरू होने के बाद हम वहां पहुंच चुके थे, बारिश शुरू होने के बाद, मतलब हम वहां पहुंच चुके थे, तो बारिश शुरू होने के बाद, है ना, तो यहां पर इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर वी हैड रीच्ड, आफ्टर वी हैड रीच्ड देयर। बारिश शुरू होने के बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे, तब बारिश पहले ही शुरू हो चुकी थी, उसके बाद में वो वहाँ पहुँचे थे। तो आपसे अगर पूछेगा वो के बताओ प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, ये वाली है प्रिंसिपल क्लॉज, ये वाली कौन सी क्लॉज है, ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो आपको ये पहचान लेना है कि भाई कि ये अगर बाद वाला वाक्य आता है तो बाद वाला जो वाक्य होता है उसमें हमारा जो क्लॉज होती है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है हमारा, आफ्टर, तो आफ्टर जो है हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, और जो ये सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें वैन की, तो वैन When I saw a snake, I started running, तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस एनालिसिस करनी है कि when I saw a snake, I started running, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा व्यक्ति के जो when आया है, when कौन सा कंजंक्शन है, तो यहाँ पर when जानना है, तो when आपका क्या है, टाइम शोइंग कंजंक्शन है, क्यों कि जब मैंने एक सांप देखा तो मैंने भागना प्रारंभ कर दिया, तो पहले उसने क्या देखा होगा, सांप, तो उसने बाद में प्रारंभ कर दिया होगा भागना, तो यहाँ ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस पर, तो पहले तो वो सांप देखेगा, यानी कि ये जो क्लॉज है हमारी ये अपने पूर्ण मीनिंग के लिए इस वाली क्लॉज पर डिपेंड करती है, तो यहाँ ये सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, क्यों, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो कंजंक्शन लग रहा है वो इस वाली क्लॉज में नहीं है, और ये क्लॉज कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर मीनिंग के बेस की बात करें तो यहाँ पर ये तो बननी है प्रिंसिपल और ये बननी है सबॉर्डिनेट, लेकिन जब बात में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज के साथ लगता है वो क्लॉज हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाती है और दूसरी क्लॉज कहलाती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। तो अगर हम बात करें एक वर्ड की वाइल, तो वाइल हमारा आप जानते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है कि वह पढ़ रहा है जबकि वह सो रहा है, तो यहाँ पर जबकि वह सो रहा है तो दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं और दोनों जो पर्सन है उस काम को अलग अलग कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि सीमा वॉज ईटिंग
ए मैंगो, सीमा वॉज ईटिंग ए मैंगो वाइल वाइल सोनू वॉज वॉचिंग टीवी वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर दो काम अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति हमसे पूछेगा कि इसमें जो कंजक्शन यूज हुआ है वाइल, वो कौन सा कंजक्शन है? तो आप बता सकते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और यहाँ पर ये टाइम शोइंग कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? टाइम शोइंग। अब वो पूछेगा कि ये वाली क्लॉज क्या है साहब? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस वाली क्लॉज में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है, और जिस वाली क्लॉज जो क्लॉज होती है वो अपना मीनिंग यानी कि स्पष्ट रूप से क्लियर रखती है वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। तो आपको एक तीर से दो तीन निशाने हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लॉज भी जान रहे हैं कि जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो तो वो क्लॉज हमारी क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि वो कंजक्शन कौन सा है, तो कंजक्शन है वो टाइम शोइंग कंजक्शन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। होगा अगर हम बात करें कि इस वर्ड की वैन एवर, इसका मतलब होता है जब भी। क्या होता है? जब भी। तो वैन एवर की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वैन और एवर। तो इस शब्द को हम कंपाउंड कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं, कंपाउंड कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि जब भी वह मुझसे बात करती है तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूं। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की कि जब भी वह मुझसे बात करती है, व्हेनेवर सी टॉक्स टू मी कॉमा आई बिकेम स्पीचलेस। तो यहाँ पर हमको पता चला कि दोनों जो क्लॉज हैं वो प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। कि जब भी वह मुझसे बात करती है मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं होते बताने के लिए कुछ। तो यहाँ पर वो व्यक्ति पूछेगा कि जो व्हेनेवर है वो क्या है? तो व्हेनेवर जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और टाइम शोइंग कंजक्शन है। टाइम शोइंग कंजक्शन है टीसी। तो यहाँ पर वो ये पूछेगा कितनी क्लॉज हैं? कि दो क्लॉज हैं साहब, एक तो व्हेनेवर सी टॉक्स टू मी और दूसरी है कि आई बिकेम स्पीचलेस। तो यहाँ पर आई बिकेम स्पीचलेस जो हमारी क्लॉज है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये वाली क्लॉज इस वाली क्लॉज पर डिपेंड करती है कि जब भी वह मुझसे बात करता है, अगर वो मुझसे बात नहीं करती है तो मैं स्पीचलेस कैसे हो जाऊंगा? पहले तो वो मुझसे बात करेगी तभी तो मैं स्पीचलेस बनूंगा। तो यहां पर ये वाली क्लॉज कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाली क्लॉज कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती है, उसी को मेन क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? जो क्लॉज दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ी जाती हैं उनको हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो तीनों क्लॉज आपको क्लियर हुई। अगर हम बात करें इस वर्ड की एज सून एज, तो यहाँ पर एज सून एज का मतलब क्या है? एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। जैसे ही अध्यापक क्लास में घुसा वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन को बना रहा है कि जैसे ही अध्यापक क्लास में एंट्री मारी उसने वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो एज वर्ड है हमारा एज वर्ड, उसके बाद में वर्ब आती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आती। इसके बाद में आपका नॉमिनेटिव केस आता है। कौन सा? नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव को क्या बोलते हैं आप? सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। ऐसे ही इसी इसके साथ साथ एक और समझ लेते हैं, एज लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पर एज के साथ एज का पेयर बनना है। तो ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि यहाँ से वाक्य जो है कैसे बनता है और कैसे आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखो। ठीक है, तो आपको ये समझना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो
तो यहाँ पर एज सून एज से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा आपको समझना है कि एज सून एज से क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज, तो यहाँ पर एज सून एज का जो मीनिंग है वो क्या है, जैसे ही। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं एज सून एज ही वर्क्स हार्ड, जैसे ही वह कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, जैसे ही वह कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ पर इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, देखो सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट, इससे पहले वर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ही विल कंटिन्यू टू गेट गुड मार्क्स, ही विल कंटिन्यू टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आपके दो क्लॉज हैं, अब आपको बताना है कि कौन सी क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सी क्लॉज हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। जहाँ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, और जहाँ प्रिंसिपल क्लॉज मतलब अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है वो सबॉर्डिनेट, और जो इंडिपेंडेंट हो वो प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये एज सून एज, जैसे ही वे कठिन परिश्रम करता है, ही विल गेट कंटिन्यू टू गेट गुड मार्क्स, तो ये चीज़ ही विल गेट कंटिन्यू टू गुड मार्क्स यानी कि अलग ही है, ये प्रिंसिपल क्लॉज आ जाए सबॉर्डिनेट क्लॉज। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एज लॉन्ग एज की, किसकी बात करें एज लॉन्ग एज की, तो एज लॉन्ग का मतलब है क्या होता है, जहाँ तक वह सी सी गेट गेट्स एन आइडिया कॉमा सी विल डू समथिंग इनोवेटिव, मतलब जहाँ तक कि उसको आइडिया मिलता है वैसे ही वह कुछ नया करेगी, वैसे ही कुछ नया करेगी। तो यहाँ पर पहले ये क्या हो गया, सबॉर्डिनेटिंग, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो नहीं कर पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पर आपको देख लेना कि एज के बाद में फिर से क्या है, सब्जेक्ट आया है, क्या है, सब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना है कि हार्डली और स्कार्सली भी आता है, जैसे हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइस। मुश्किल से अध्यापक क्लास में घुसा ही था, प्रवेश ही किया था, वैसे ही मुश्किल से अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया कि बच्चों ने क्या मचा दिया, शोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हार्डली के बाद क्या गिवन है, हेड है, तो यहाँ पर ये इन्वर्जन का केस है, किसका केस है, इन्वर्जन का। तो यहाँ आपको समझना है कि सबसे पहले टीचर क्लास में घुसा होगा, ठीक है, उसके बाद में बच्चों ने शोर मचाया होगा। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सी है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से कि आपका जो शोइंग टाइम कंजक्शन है वो क्या होता है। तो आगे समझते हैं हम, क्या आगे समझते हैं, शोइंग प्लेस को, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं क्या शोइंग टाइम, तो आपको समझना है कि दूसरा जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है, दूसरा है शोइंग प्लेस। शोइंग प्लेस की अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जगह दर्शाने वाले या स्थान दर्शाने वाले कंजक्शन होते हैं हमारे शोइंग प्लेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शोइंग प्लेस में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, एक तो आता है वेयर और एक आता है हमारा क्या, वेयर एवर। तो वेयर एवर हमारा कंपाउंड कंजक्शन है, कैसा है, कंपाउंड कंजक्शन, और वेयर हमारा क्या है,
एक कंजक्शन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, तो यहाँ पर आपका प्लेस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूँ के ही फॉलोज मी वेयर एवर आई गो, जहाँ तक मैं जाता हूँ वह मुझे फॉलो करता है। तो यहाँ तक मैं जाता हूँ, ये हो जाएगा हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, ठीक है। वह मुझे फॉलो करता है जहाँ तक मैं जाता हूँ, ठीक है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वह मुझे फॉलो करता है। अगर हम बात करें किसकी, ये बोला आई डोंट नो वेयर ही इज लिविंग दीज डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ जहाँ भी इन दिनों वह रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेयर से लेके यहाँ तक ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है और आई डोंट नो हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है और सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई, लेकिन यहाँ पर देखो प्लेस गिवन नहीं है, लेकिन रहती होगी कहाँ, रहती होगी प्लेस पर, कहाँ रहती होगी प्लेस पर, तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो इसी को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं और इस कंजक्शन को हम रिलेटिव क्लॉज यानी कि रिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सबॉर्डिनेटिंग तो है ही है और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी है और रिलेटिव क्लॉज भी और रिलेटिव कंजक्शन भी है। तो अगर बात करते हैं, अगर प्लेस मेंशन हो तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि बोला जैसे दिस इज द प्लेस, क्या बोला, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट लास्ट टाइम। तो यह जगह है जहाँ हम पिछले समय मिले थे। तो यहाँ पर ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज और यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज, तो दो क्लॉज हैं, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो ये एक्चुअल में समझ में आया आपको, सोइंग प्लेस में दो आते हैं, वेयर और वेयर एवर। ये कंपाउंड कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, कंपाउंड कंजक्शन। तो यहाँ पर आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला। तो आपको ये समझ में आ गया कि सोइंग आपका प्लेस में कौन सा कंजक्शन आता है, वेयर और वेयर एवर। तो यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं सोइंग पर्पज़, तो पर्पज़ का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन को ही क्या कहते हैं, सोइंग पर्पज़। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सोइंग पर्पज़ में जो कंजक्शन आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो हम खाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉज है, और जीवित रह सकें ये हमारा उद्देश्य है, हम खाते हैं। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कठिन परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो कठिन परिश्रम करना क्या है, हमारा पर्पज़ है, पर्पज़ है, उद्देश्य है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो उद्देश्य के लिए जो कंजक्शन आते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि सो दैट और आपका दैट, आपका इन ऑर्डर दैट और आपका लेस्ट। ये कंजक्शन जो होते हैं वो हमारे पर्पज को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, पर्पज को। तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि अगर वो कह रहा है कि वी ईट हम खाते हैं सो दैट, मतलब ताकि हम जीवित रह सकें, तो वी क्या लगा लेंगे, मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो यहाँ आपका जो सेंस है वो ये निकल के आ रहा है कि पहली जो क्लॉज है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज वो प्रेजेंट में है, और दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज जो कि वो हमारी
किसमें है, वो भी प्रेजेंट में है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर पर्पस क्या है कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो हमारा उद्देश्य है कि हम जीवित रह सकें, इसलिए उद्देश्य क्या है हमारा, हम खाते हैं और परिणाम क्या है, हम जीवित रह सकें। तो क्लियर हुआ, ये डिपेंड करता था, अगर हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रह सकते, तो इट इज डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करो, तो ये वर्क हार्ड हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर अगर लेस्ट वाक्य में आ रहा हो तो वो हमारा क्या है, शोइंग पर्पज है, ठीक है, और सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। तो लेस्ट के बारे में जानकारी लेने, तो लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ये एक नेगेटिव शब्द है, इसके साथ में नॉट का यूज नहीं होता है, इसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और दूसरी बात सुनो, यहाँ पर इसके साथ में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, चाहे सब्जेक्ट ही सी इट आई वी यू दे कोई भी हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे बोला हमने he told me that I could know about it। तो यहाँ पर आपको जानना है कि उसने मुझे स्टोरी के बारे में बताया, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और दैट आई कुड नो अबाउट इट, मतलब कि मैं उस स्टोरी के बारे में जान सका। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर अगर मुझे स्टोरी के बारे में नहीं बताता तो मैं उसके बारे में जान नहीं सकता था, ठीक है, तो जान सका तभी तो उसने मुझे बताया। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गई और ये हो गई हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, वो पूछेगा कि ये दैट क्या है, तो दैट है आपका शोइंग पर्पज, ठीक है। तो आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो आपको समझना है शोइंग कॉज, कौन कौन से ऐसे कंजक्शन हैं जो कि कॉज बताते हैं। कॉज का मतलब होता है कारण बताने वाले कंजक्शन, यदि पता है तभी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी क्लॉज है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। तो यहाँ पर वो कौन कौन से कंजक्शन हैं जो कि कॉज बताते हैं, तो कॉज कौन कौन से बताते हैं, बिकॉज, कौन कौन से बताते हैं, बिकॉज, ठीक है, और कौन से बताते हैं, सिंस और फॉर, ठीक है, और कौन सा होता है हमारा, एक और कौन सा है हमारा एस, ठीक है। वह यहाँ आई क्योंकि वह अपने माता पिता को देखना चाहती थी, तो क्योंकि वह अपने माता पिता को देखना चाहती थी इसलिए तो आई, यही तो कारण था, कारण यही था, वो अपने माता पिता को देखना चाहती थी, तभी तो हमने बिकॉज लगाया है। जैसे कि वह, जैसे ही वह कंजूस है इसलिए सब उसको क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, भाई कंजूस है, कारण बन गया ना, कंजूस व्यक्ति है, तो उस वजह से वो क्या है, उसको सब डिसलाइक करते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कि मैं सो रहा था क्योंकि मैं थका हुआ हूँ या थका हुआ था, तो थका हुआ था कारण है, तभी तो सो रहा था, अगर थकता नहीं तो सोता नहीं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि she came here because she wanted to see her parents। अगर देखा जाए दोनों क्लॉज हमारी पास्ट में है, भाई कौन किसमें है, पास्ट में, तो ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में। व्यक्ति पूछ रहा है कितनी क्लॉज है, हमने कहा दो क्लॉज है, कितनी क्लॉज है, दो, तो पहली प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, और ये वाली क्लॉज क्या बता रही है, कॉज, क्या बता रही है, कॉज,
कारण तो है, तभी तो वह यहाँ आई क्योंकि वह अपने माता पिता को देखना चाहती थी। तो यहाँ सी के साथ में आ रहा है हर, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ये टू सी इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। ये चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पर आपको क्लॉज भी स्टडी कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। तो आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, फॉर आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं क्या था? थका हुआ था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सबॉर्डिनेट और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। और कॉज कौन से में? सबॉर्डिनेट वाली में, थका हुआ था तो तभी तो सो रहा था। अगर थका हुआ नहीं होता तो सोता ही क्यों? आराम से मज़े लेता, गार्डन में खेलता। तो ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ अगर और जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था एज ही इज माइदर, जैसे वह कंजूस है, नो वन लाइक्स हिम। तो कारण क्या है? क्यों नहीं पसंद करते हो तुम उसको? क्योंकि वे कंजूस है। भैया क्या है? कंजूस। ये आपकी कौन सी क्लॉज? सबॉर्डिनेट, ठीक है, कंजूस है। और ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपकी कौन सी है? सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ जिसमें कंजक्शन लगता है वो हमारी क्या होती है? वो होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर मीनिंग के बेस पे जाएं तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है, यानी कि ये जो हमारी क्लॉज है, यानी कि ये हमारी कॉज बता रही है। क्या बता रही है? कॉज बता रही है, तभी तो परिणाम आ रहा है। कैसे लिए तो उसको नापसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सबको अच्छे तरीके से? तो नोट कर लेंगे फटाफट से, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पांचवा, और ये आप जान चुके हैं कि कौन कौन से कंजक्शन सबॉर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं, और क्वेश्चन भी साथ के साथ देखते जा रहे हैं। अगर आपको कोई और चीज़ पढ़ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही काम करना है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और बाकी के जो भी सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, तो और पिछली वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जय हिंद।